was on that road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked right there. सो हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी पिछली दो वीडियोस से हमारे 600 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अब हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम स्कैरी इंसिडेंट्स या फिर हॉरर एनकाउंटर भी कवर करेंगे, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा हेडफोन लगा के। थैंक यू। अप्रैल 2020 में एक नुआ नाम के लड़के ने सन रिवर ओरेगन के जंगलों के बीच में अपने ट्रक से कैंपिंग जाने की सोची। तो सन ओरेगन के घने जंगलों के बीच में कचरा लगा था अपने ट्रक से इस तलाश में कि उसको एक अच्छा सा कैंपिंग स्पॉट मिल जाए, पर उसे नहीं पता था कि उसके आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो जंगलों में अंदर और अंदर की ओर जाता जा रहा था अपने ट्रक के अंदर, तब कई किलोमीटर चलने के बाद उसे एक ऐसी जगह मिल गई जो उसके हिसाब से कैंपिंग के लिए अच्छी जगह थी। उसने वहाँ पर अपने ट्रक को रोका। उसको कच्ची नींद में एहसास होता है कि कोई ट्रक के पार है और उसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। वो गौर से सुनने लगता है और जो पैरों के निशान थे वो उसके पास आते जा रहे हैं। वो तुरंत ही अपना गोप्रो निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। जिसने भी नुआ का दरवाज़ा बाहर से खटखटाया था वो ट्रक के आगे पीछे हर जगह ठोक पीट के देख रहा था, और यही नहीं ट्रक के सारे डोर्स के हैंडल खोल खोल के चेक करे। पर ये नुआ की खुशकिस्मती थी कि वो ट्रक के अंदर बैठा हुआ था, कोई अनजान चीज़ उसके ट्रक के इर्द गिर्द घूम रही थी। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार जब सुबह हुई तो नुआ अपने ट्रक स्टार्ट करता है और ट्रक के बाहर उतरे बिना सीधे अपने घर चला जाता है। और जब वो सुबह उतर के अपने घर के बैकयार्ड में ट्रक को चेक करता है तब वो पाता है कि उस पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। और इतना ही नहीं, खास करके उसके ट्रंक के हिस्से में और उसकी बैक वाली विंडो में ऐसा लग रहा था कि कोई झांक के उसको अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। Handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Well, looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So. तो पहली बात तो ये कि क्यों लोग ऐसी अनजान जगहों पे अंधेरे में अकेले जाने का सोचते हैं। और इतना ही नहीं, अकेले तो जाते ही जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनके आसपास क्या है, ना ही वो उस एरिया से परिचित होते हैं। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद वो कोई पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई आसपास रहने वाला व्यक्ति हो, पर उस वीडियो को देख के तो ऐसा लगता है कि अगर पुलिस ऑफिसर है तो उसके पास टॉर्च या फिर फ़ोन क्यों नहीं है, और कोई आसपास वाला है तो उसने आवाज़ क्यों नहीं दी या कुछ बोला नहीं या कुछ पूछा नहीं। क्यों वो उसके ट्रक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा, गेट खोलने की कोशिश करता रहा और ऐसे निशान आए कि वो झांक के अंदर देख रहा था। उस दिन के बाद से उन्होंने कोई भी पोस्ट अपडेट नहीं करी है और ना ही पता चला है आज तक कि उस ट्रक के बाहर कौन था। क्या वो कोई सुपरनेचुरल क्रिएचर था? आप बताइए।